हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मुझे घर पे टाइम नहीं मिला अपना व्लॉग बनाने का, बिकॉज मेरा ऑफिस था एंड आई वाज रियली बिजी विद इट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना रास्ते में समय का सदुपयोग किया जाए और अपना व्लॉग बनाया जाए। इन्फॉर्मेशन तो कहीं भी शेयर की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कर लेनी है जैसे ही आप यूके में आए। पहली चीज़ है, आपको अपना कलेक्ट करना है बीआरपी। योग से हाय। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना कलेक्ट कर लेना है बीआरपी। बीआरपी आपको कहाँ मिलेगा? बीआरपी आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। कौन से पोस्ट ऑफिस में? तो जब आपने अपना वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें जो आपने अपना एड्रेस डाला था, उसका जो पोस्टल कोड है, उसी पोस्टल कोड पे आपका बीआरपी आएगा। तो आते ही जितना जल्दी हो सके बीआरपी को पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एनएचएस नंबर की रिक्वेस्ट प्लेस करें अपने नियर बाय सर्जरी में जाके। यहाँ पर हॉस्पिटल को सर्जरी बोला जाता है, जीपी जिसे हम बोलते हैं। तो तुरंत आपके नियर बाय, आप जहाँ रह रहे हैं उसके नियर बाय जो भी आपका सर्जरी है, वहाँ पे जाके रिसेप्शन से फॉर्म लें और एनएचएस नंबर की रिक्वेस्ट प्लेस कर दें। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि एनएचएस नंबर नहीं होगा तो आप अपना रेगुलर कंसल्टेंट डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर आपके पास एनएचएस नंबर नहीं है, जैसा कि हमें भी बोला गया था कि एनएचएस नंबर नहीं है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब आपको कोई भी डिजीज होती है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इमरजेंसी लाइक अपने यहाँ जैसे होता है ना 24/7, एक्सीडेंट केसेस वगैरह कोई भी केस, वहाँ पे आप जाओगे। आपको नॉर्मल जो डॉक्टर का कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास एनएचएस नंबर नहीं है तो भी आप सर्जरी में कॉल करके और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बट एनएचएस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ में है एनएचएस नंबर की सर्विसेज, मतलब एनएचएस नंबर के बिना जो सर्विसेज आप ऑप्ट नहीं कर सकते, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड। मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड क्या चीज़ है? मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड सर्टेन कंडीशंस के केस में मिलता है। अगर वो कार्ड आपके पास है तो आपको मेडिसिन का चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर का कंसल्टेशन और टेस्ट वगैरह ऑलरेडी फ्री हैं फॉर एवरीवन, बट प्रिस्क्रिप्शन पे जितनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है पर मेडिसिन यू हैव टू पे 9.35 pounds। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने दो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है तो आपको पे करना पड़ेगा 2 × 9.35 pounds। 3 है तो 3 × 9.35 pounds, विच इज़ रियली कॉस्टली। और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म डिजीजेज है लाइक थायरॉयड, डायबिटीज़, बीपी, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ है, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई लेडी अगर मैटरनिटी में चल रही है, किसी को कैंसर है, तो ऐसे इनके बहुत सारी कंडीशन, जिसके पास जॉब नहीं है, कोई अगर केवल पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, किसी की सैलरी अगर सर्टेन लिमिट से कम है, तो ऐसे करके उनकी 9-10 कंडीशंस हैं, उसमें से अगर एक में भी आप क्वालिफाई होते हैं तो आप मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड ले सकते हैं। मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू टेक वन फॉर्म अपने जीपी से, वो रिसेप्शन पे आपको दे देंगे, वो आपको भरना है और आपको दे देना है। हो सकता है आपकी डिजीज़ को वैलिडेट करने के लिए, अच्छा पहले तो ये कि वो जितनी भी 7-8 कौन कौन से क्राइटेरिया से जिसके थ्रू आपको मेडिकल एग्जेम्पशन मिल सकता है, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे एनएचएस की वेबसाइट पे। अदरवाइज़ जब आप अपने जीपी पे जाएंगे और जो आपको वो फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पे भी आपको वो सारी कंडीशंस लिखी हुई है, तो आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ, आप वो चेकबॉक्स चेक करिए और वो फॉर्म अपने जीपी को दे दीजिए। ये चीज़ें आपको आते ही तुरंत जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें टाइम लेती है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रेस करी और वो तुरंत आ जाएगा। कार्ड पहले तो एनएचएस नंबर आएगा, उसके बाद ही आप इस मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड की रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप आए ये काम ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बहुत जेनरिक वाली मिलती है केवल, जैसे पैरासीटामोल, कुछ एंटी एलर्जिक, पेन किलर हल्के फुल्के, वो ही मिलते हैं। बाकी अपने जो नॉर्मल, मतलब जो डिजीज़ स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फिर अगर आप अर्जेंसी में हैं और आप कोशिश करेंगे कि मुझे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, वो चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आते ही ये दो काम आप डेफिनेटली कर लें, आपको बहुत काम आने वाली है और डेफ़िनेटली आपको फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप फार्मेसी पे जाके भी लेंगे तो
मैंने बताया आपको जैसा कि 9.35 pound पर मेडिसिन आपको चार्ज लगेगा, क्वांटिटी चाहे उसकी 100 हो उससे फ़र्क नहीं है, टाइप ऑफ मेडिसिन जितना है, ठीक है, जितनी टाइप ऑफ मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में आपको उतना चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आपके रेकरिंग टाइप की प्रॉब्लम है जैसे थायराइड, बीपी, डायबिटीज़, जिसमें आपको मेडिसिन लगती है, मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उस केस में, इसलिए कर ही लेना है, ठीक है। मुझे भी एक्चुअली इस चीज़ का पता नहीं था, वो तो मैं जब सर्जरी में गई और मेरी उनसे बात हुई तब मुझे इस बारे में पता चला कि ऐसी भी कोई सर्विस होती है। मिक्कू तो आगे आगे चला भी गया ना स्कूटर चलाते हुए। हाँ तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी काम की लगेगी, और इसी बहाने आपने चलो रास्ता भी दिखे गया, और कुछ नहीं तो पीछे पीछे आज ठंड काफ़ी है। सुबह -5 degree टेम्परेचर था, अभी उससे कम है, बट यार ठंड तो महसूस होती है काफ़ी। ये घास वगैरह पे तो आइस जमी भी हल्की हल्की दिख रही है, तो आप समझ गए ना। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी, वहाँ सर्जरी पे जाइए, उनसे पूछिए, पीपल आर वेरी नाइस, वो आपका एकदम कोई भी क्वेरी होगी वो आपको क्लियर करेंगे, बी इट विद एनीथिंग, मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड को डिजीज़। हाँ, हो सकता है मेडिकल एग्जेम्पशन कार्ड के लिए जो डिजीज़ भर रहे हैं वो उनके सिस्टम में प्रेजेंट होनी चाहिए, उनके पास ही प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई ये मेडिसिन, ये डिजीज़ आपको एक्चुअली है, तो दे माइट से यू टू हैव सम टफ टेस्ट, जिससे वो डिजीज़ कंफर्म हो जाए कि आपको वो है, तो उसका हो सकता है वो एक बार टेस्ट करवाने को बोले, तो वो आप करवा लीजिए, क्योंकि टेस्ट वगैरह के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो या चलिए, मैं पहुँच गई घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या, बाय।